आदरणीय सभापति जी, हमने होलिस्टिक हेल्थ केयर पर फोकस किया। आधुनिक चिकित्सा परंपरा, भारतीय चिकित्सा पद्धति दोनों को आयुष मंत्रालय ने भी समय बहुत काम किया। सदन में कभी कभी ऐसे मंत्रालयों की चर्चा भी नहीं होती है, लेकिन ये देखना होगा। आज विश्व में हमारे आंध्र तेलंगाना के लोग बताएंगे, हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है वो इस कोरोना ने लोगों को भारत की उपचार पद्धति पर आकर्षित किया, उसका कहना। दुनिया के लोगों, आज कोरोना कालखंड में भारत ने अपने फार्मा उद्योग को भी सशक्त किया है। पिछले 7 साल में हमारा जो आयुष का उत्पादन है उसका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है और नए नए डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है। इसका मतलब कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसने विश्व में अपनी एक पहचान बनाना शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जहां जहां हमारा परिचय हो इस बात को बल दें, क्योंकि इस क्षेत्र हमारा दबा हुआ है। अगर हम थोड़ा उसको और ऐसे समय है कि स्वीकृति बन जाएगी तो हो सकता है कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा है, ताकत है, वो दुनिया में पहुंचेगी और काम होगा।